संस्कृत बचाओ मंच ने मुस्लिम धर्मावलंबियों से आग्रह किया है कि इको फ्रेंडली बकरों की कुर्बानी दी जाए तो प्रदूषण को कम कर पर्यावरण की रक्षा की जा सकती है। इसके लिए संस्कृत बचाओ मंच ने इको फ्रेंडली बकरों का निर्माण करवाया है। भोपाल में ईद के लिए इस बार इको फ्रेंडली बकरे भी बिकने को तैयार हैं। संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने बताया कि संस्कृति बचाओ मंच के आह्वान पर मूर्तिकारों ने इको फ्रेंडली बकरों का निर्माण किया है। उन्होंने कहा, पर्यावरण की रक्षा के लिए जब हम सूखी होली खेल सकते हैं, फूलों की होली खेल सकते हैं, प्रदूषण रोकने और पर्यावरण बचाने के लिए दीपावली पर पटाखे नहीं चलाने दिए जाते हैं, नागपंचमी पर नाग देवता की पूजा से परहेज होता है, प्रतीकात्मक नाग देवता का पूजन किया जाता है, इको फ्रेंडली गणेश उत्सव और दुर्गा उत्सव हो रहे हैं, ऐसे में प्रदूषण रोकने की जिम्मेदारी, पर्यावरण बचाने की जिम्मेदारी हिंदुस्तान के हर नागरिक की है। इसीलिए मुस्लिम धर्मावलंबियों से आह्वान किया गया है कि वे इको फ्रेंडली बकरों की कुर्बानी देकर प्रतीकात्मक कुर्बानी दें और पर्यावरण की रक्षा करें। कोरोना महामारी के चलते इस वर्ष प्रदूषण फैलने का ज्यादा खतरा है। देखिए, जब हम सूखी होली मना सकते हैं, फूलों की होली खेल सकते हैं, दीपावली पर पर्यावरण की रक्षा के लिए हम फटाके नहीं फोड़ते हैं, हम जो है नागपंचमी पर नाग देवता की प्रतीकात्मक पूजन करते हैं, तो पर्यावरण बचाने की जिम्मेदारी हिंदू मुस्लिम सभी धर्मावलंबियों की हो। और मुस्लिम समाज के धर्मावलंबियों और धर्मगुरुओं से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर पर्यावरण और संक्रमण को अगर बचाना है, प्रदूषण को बचाना है, क्योंकि कोरोना महामारी इस वक्त बहुत तेजी में हमारे यहाँ भोपाल में फैल रही है, पर्यावरण की रक्षा के लिए, प्रदूषण की रक्षा के लिए इको फ्रेंडली अगर बकरों की कुर्बानी दी जाएगी तो समाज में आपका भी योगदान जो है सर्वोपरि स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। हाँ सर जी, मेरे को मतलब ये नया काम मिला है बकरा ईद के ऊपर, और मुझे चंद्रशेखर तिवारी जी के आशीर्वाद से मतलब ये नया रोजगार मिल गया है सर। क्योंकि मूर्तियां तो छोटी बन रही हैं, दुर्गा जी छोटी बन रही हैं, पंडालों का कोई चता पता नहीं है सर। हमारे पास तो संकट है खाने का, बच्चों को पालने का, तो यही अच्छा एक काम मिल गया है अभी हमारे को। हम तो चाहते हैं ये काम और बढ़ जाए हमारा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।